Hey guys, assalam alaikum, welcome back to my YouTube channel. और आज है डे 8 रमज़ान का और आज मेरा रोज़ा भी है, वैसे मेरा रोज़ा रोज़ी होता है। अभी तो 4 बज गए हैं, बहुत लेट हो गए और मेरी जोहर की नमाज़ भी बाकी है, बट कोई बात नहीं, नमाज में पढ़ लूँगी अभी और कुछ एक रेसिपी भी बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बताना था। तो हम लोग का थोड़े दिन से हम लोग सोच रहे थे, बहुत दिन से, कि मेहमान को मैंने बोला कि मैंने उमरा जब लास्ट टाइम रूमी पेट में थे तब किया था, और मैं कुछ इतना आप लोगों को बता भी नहीं पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी और डॉक्टर ने भी एंडिंग में मना कर दिया था मुझे चलने के लिए। तो फिर रहमान ने मेरे को कहा कि ठीक है तो इस बार चलते हैं। तो हमने सोचा फैमिली के साथ जाए, लेकिन फैमिली के साथ पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मम्मी और पापा आ नहीं सकते, दादी की डेथ हो गई है। तो इसकी वजह से हमने सोचा हमारे सिस्टर इन लॉ को और उनके हस्बैंड को लेके जाएंगे, तो हम बस उन्हीं के साथ जाएंगे। देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि हो जाए, और कब होता है क्या होता है ये ज़रूर हम आपको बताएंगे। सो गाइस, इस बार रमज़ान में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, उमरा में जाने का और मदीना जाके भी सब कुछ बताएंगे। आई होप इंशाल्लाह वीज़ा लग जाए, टिकट्स आ जाए। सो देखते हैं क्या होता है। सो अभी मैं फ़िलहाल के लिए नमाज पढ़ने जा रही हूँ जोहर की, और फिर मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ चिकन क्यूब्स, जो हम ब्रेड के साथ आज बनाएंगे। वैसे हम डायरेक्टली रोज़ कटलेस या कुछ कबाब वगैरह बनाते, लेकिन आज हम बनाएंगे ब्रेड के साथ, कुछ नया ट्राई करेंगे। तो मैं इसको दाल में बॉइल कर रही हूँ। वैसे हम लोग खाना बहुत ज़्यादा बचता है, इसलिए मैं कम चिकन ले रही हूँ और थोड़ा सा कम बनाऊँगी आज, बस इतना सा चिकन बहुत हो जाता है क्योंकि फिर हम इसको बॉयल होने के बाद ये और बड़ी हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही चिकन। मतलब कि हमारे को मतलब हम जल्दी जल्दी कपड़े पहन के आते कि नहीं, नहा के दोनों बाप बेटे नहा के आते जल्दी जल्दी। नानू करने जाए, नानू करने जाती हूँ कि नहीं मैं। अल्लाह हाफिज कर दे, चलो अल्लाह हाफिज कर दे, आइयो चलो अल्लाह हाफिज कर दे। ये मच्छर निकला तो इस तरह से 10-15 लोग मच्छर मच्छर ही मच्छर घुस गए अंदर, वो ऊपर ऊपर है, हो रहा है वो खूने में खूने में। सब रेडी है लेकिन मैनेज नहीं है। मैनेज है लेकिन बेचारी इधर बेचारी अब ये मैनेज हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने एक जो यूज की थी उसका भी मतलब है ना, उसका भी तेल छोड़ दिया था उसने, तो फिर मैंने नहीं मंगा ली, तो वो अभी तक आई नहीं है। तो मैं उसकी राह देखती हूँ। अब तुम लगते परफेक्ट हो रहे थे, ऐसा कमर पे बच्चे को भराएगी।
जुम्मी का लोजा नहीं है। से हेलो, तुम्हें से हाय, से हाय, ये हटाओ, चलो से हाय, से हाय। आइयो आइयो, हाँ लो लो दो के लिए दो लो, इतना बाद में देखे बच्चे खेलते। डे बेटा कोई जगह केक नहीं मिला। सो मैंने मंगवाया था जो मेयोनेज वो आ गया है, और मैं ऑलरेडी प्याज और कैप्सिकम काट के रखा, कैप्सिकम काट के रखा था, मैंने ये मिला दिया, अब मैं इसको उधर देखो। हाय रहमान ने आज करे है 8-10 मर्डर, 8-10 मर्डर ज्यादा, वो भी मुजरिम हो रहा। वो ये है क्रीमिंग गार्लिक, बहुत ही माइल्ड है ये, इतना कुछ नहीं है, पर सिर्फ एक वाह का लगा ताइल है, खुशबू ही खुशबू है। मंगाया मैं इस मंगाया काय प्लास्टिक की वो कम बल्ले का अच्छा मसाला रेडी कर दी, बीच गन डालेगी, होशियार हो गए हैं, धीरे धीरे उसका मेरे साथ रहेंगे। दिन बिगाड़ा ने क्या हुआ? कहाँ बिगाड़ा पर अम्मी का चने का आटा तो कहाँ हिला होता? और फिर मैं ये जो श्रेड करी है चिकन है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और हमारा पेस्ट हो गया भाई। रहमान हो गई बहुत लेजी लेजी, कब से वो पूछ लो मैं कहा है काटा बताएगा तो ना भाई काट देख का है। देखा ये होता है लापरवाही का नतीजा। नहीं होता यार इसका कर एक बार
होगा तो फिर एक साथ सब करना पड़ेगा भाई। भी वो पतला आता है ना रोटी मिलने का, वो दे जा कमजोर हाथ का काम नहीं उसमें। हो गया ना जो दबे ला दे उसका तो पूरा परफेक्ट दबाना है ला। पानी डाला बेकिंग पाउडर डाला इसको इधर है मैंने इतनी जोर से नहीं, अरे इसको इतनी जोर से दबाने का था मैंने देखा भाई वीडियो भाई ये हो गया। नहीं 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 इसमें ऐसा नहीं करने का, नहीं नहीं इसमें ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। दो एक साथ लगाने के नहीं तलने के, फिर बीच बीच में तो यूं आड़ा काट देना है, फिर कुछ तलने का है वो नहीं है अपने पास, वो स्टिक्स नहीं है इसलिए नहीं बनाई। तो मैं वो क्यूब्स वाले बना रही हूं, क्यूब्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं बता दूं कैसा। खबर है इसको बस सेपरेट रखने का, सीधा काट डालने का, इसके छोटे छोटे टुकड़े पार देने के, नहीं इसको एक लकड़ी में घुसा देने का अंदर, नहीं भी तल डालने का। वो नहीं जो खुद को नहीं पता है कि क्या बना रही है, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रही है। कुछ खाना बनाता आता नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर दिया है इसको कुछ। अब इसके बाद क्या करना है चल जरूर बताए ना क्या बना दिए क्या सैंडविच बनाया डबल का। सबर करो जरा बना दी उन्हें, शुक्र करो। बिना काम की चीजा बना रही है चिकन क्यूब्स है तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम मेरे को इस तरह मत देखो, मेरे को फिट करने नहीं होता है। अभी बीच में से भी दो टुकड़े करेंगे इसको मशीन में डाल दो खाली करने के ना इसके अंदर से एक में सब डालने के ना नहीं तो खाली नहीं करना, एक में एक चलने के एक इस तरह तलाई नहीं था अंदर जाते ही साथ में इधर उधर सब भागेगा, क्या दिमाग बंद मगर जैसी हरकत आ कर रही यार तू, ये सब जिधर उधर जाएगा अभी ये किस तरह पॉसिबल है। वो नहीं है, वो क्या बोल रहा है अपने भाई आइसक्रीम की वो क्या आइसक्रीम की जो वो आइसक्रीम खाते में सुधर के लग रही है उससे क्या होगा उसे वो पानी में ब्रेड को भिगा के फिर ये टॉपिंग से अंदर भर देते हैं उसको रोल बना के फिर इसको बैठा ये कर को दबा और रोल नहीं हमने दूसरे देखे हैं भाई तुमने जो देखा ना पहले मेरे को बता, लोगों का देखते हैं तो बनाते हैं जो उन्हीं उन्हीं चीज़ें समझ पड़ती नहीं क्या पता पहले बता मेहनत करके वो मेहनत कर दिया क्या मेहनत है तो देखो तो होता नहीं है वो लकड़ी तो क्या करेगी पहले से तो बनाना नहीं था इसको इज्जत से बोल रहा था वो बेलन से बोल रहा था बना ले वो मुस्कान एक दे इसको अजू ब्रेड क्रम्स लगाने के ये वो चिपक जाता पर कुछ नहीं है मेरे ले इसको पहले इतना चिपका के दिखा दे पूरे करी जरा ही बचाए तुम इतनी देर के लिए बाहर रख दे,
तुमको जो बनाने की नहीं है ठीक है, वो तो मेरे पे डिपेंड होगा कि तुम करो, ये बात छोटी है भाई, कर दिया वो ठीक है। छुरी से काट दल बोल दो ठीक है, ये करेगा। एक ब्रेड ये प्लेट के नीचे हो गया गोल्डन सॉइल। ग्रेट कम नहीं है क्या ये हमने बनाया ला मम्मी प्लेट में उसको दे दें छन्नू को, ये प्लेट छन्नू आपके ऊपर उठ के ले आएगा, फेंक देगा वो। तो उड़ जा तू वहां से, जा जा के निकल जरा उड़ियां तो पूछ। उसका दूसरे फटाफट ने दो दो के बना डाल हो जाएगा, चार के मत बना, दो दो के ज बना, तीन है ये, हाँ मतलब एक दो तीन चार हुए ना, चार तीन भी सही जो बचा नहीं हो रहा, दो पीस का बना, दो पीस का बना, अच्छा लग रहा है ना सुबह, तो मैं ये सब चौंधा नहीं करती लाऊंगी आप भर के मटेरियल भर के चार पीस कर दो ना सीधा सीधा, चार पीस के रोज चले चार चार पीस करना, हाँ स्टिक में भरो ही मत, टेन नहीं होता है इससे। लास्ट बनाओ इस तरह, जिसको सबको रोज़ा करना है खोलो ये हो रहे लगे पूरे बनाना, जितने उतना मसाला पूरा बना, एहसान करे रोजा रख के ये लास्ट वन है, सब ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कंप्लीट है, दस्तरखान भी रेडी है। हाय गाइस, आई नो अधूरा अधूरा व्लॉग है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन
किसके अंदर लड़ाई नहीं होती, किस मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई नहीं होती, बस सुलह हो जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। और सुलह हुआ है इस गिफ्ट के साथ, और रहमान ने मुझे ला के दिया है 15 Pro Max, जो मुझे कब से चाहिए था, लेकिन आज फाइनली इट्स हियर। एंड ऐसी अपोलॉजी मुझे अच्छी लगती है। सो मैं अभी तो मेरे घर आई हूँ, हाय, अभी तो मैं मेरे घर आई हूँ और अभी जाऊँगी मैं रहमान के पास। रूमी सो गई है और मैं आपको हमारे पापा को दिखाती हूँ। पापा, आ पापा सो रहे हैं। छलाम छलाम मुस्कान आई है। इतने तो गुस्से में देखते मेरे फॉलोअर्स नाराज हो जाएंगे। पापा नींद में उसका दवा पिएगा। चलो बाय बाय कह दो, बाय बाय। तो हम लोग घर आ गए हैं और ये मैडम सो नहीं रहे हैं और घर में कोई भी नहीं है फिलहाल, पूरा घर खाली है, सिर्फ मैं और रूमी। और मैं रूमी को सुनाने की कोशिश करी और मैं कैसे सुनाती हूँ आप लोग को बताना चाहती हूँ। सो रूमी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे ऐसे मेरे को करना पड़ता है तब जाके ये मैडम सोते हैं, बच्चे पालना आसान नहीं है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही कठिन दिन था मेरे लिए, बहुत ही बोलते ना अजीब सा दिन था आज। आई डोंट नो व्लॉग कहाँ उस टाइम पे एंड हुआ था क्या नहीं, बट हस्बैंड वाइफ के बीच में जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार ज़्यादा होता है। एंड कभी हम लोग ऑन स्क्रीन ऐसे लड़े नहीं हैं, इट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर पोस्टिंग सच वीडियोस। एंड होता है गाइस सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, सबको थोड़ी बहुत तो जो नोकझोंक तो होती रहती है। हमारा गुस्सा भी 10 मिनट का रहता है, हमारी बिल्कुल लड़ाई घंटा 2 घंटा नहीं चलती है। फिर मैंने आया रोज़ा खोला, लेकिन सॉरी टू से कि हम लोग वो सारी क्लिप्स नहीं ले पाए। एंड जब ये फ़ोन दिया तो ये फ़ोन भी ईशा के बाद दिया मुझे, और ईशा के बाद मतलब फिर उन्होंने आके बात की मेरे से, मनाया, तब जाके मैंने ये फ़ोन एक्सेप्ट किया है। एंड एक्सेप्ट तो करना ही था वैसे भी, बट कोई बात नहीं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। हाँ, रूमी एंड कर रही है आज व्लॉग। अगर मैं बोलूँ ना तो इसका बोलना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये बोले ना तो कैमरा नहीं लाने का। हाँ, कोई समझता नहीं है। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल लेते। बा 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 बा। इसको सब समझ में आता है कि कैमरा कहाँ है, क्यों है और कौन देख रहा है, कैमरे में कौन दिख रहा है। शी नोज एवरीथिंग, शी इज वेरी स्मार्ट। या रूमी, अल्लाह हाफिज कह दो। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोग को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताओ। और गाइस ऐसे ही प्यार देते रहो, हम लोग जो भी आप लोग के लिए है, जैसे भी है, आप लोग के लिए शूट करते हैं। एंड दुआ करो गाइस कि हमारा रूमी के साथ पहला उम्रा है, एंड अल्लाह कबूल करे हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, एंड सब कुछ आपको बताने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, इसकी वक्त मैं अभी बंद करवाती हूँ। अभी आप लोग बाय बाय।